हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच टी स्मार्ट स्टडी में। अभी बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी का, जो आज हमारे एग्जाम हुआ है 10 नवंबर 2018 को, यानी कि 10/11/2018 को। उसके जो सभी 90% हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में बता दिए जाएंगे, पूरी आंसर की। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है आप आज का जो हमारा एग्जाम हुआ है 10/11/2018 को हरियाणा ग्रुप डी का, उसके सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में बता दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपका जो जैसे कि इसमें ऊपर है कोड जो 4/2018 और M10, तो फ्रेंड इस तरह से कोड होता है। तो सबका जो पेपर है उसमें जो सीरियल वाइज जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं होते, पर्सन सबके बिल्कुल 90 के 90 बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। तो प्लीज़ इनको एक बार देख लेना। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है शिवालिक की पहाड़ी किस जिले में है, ठीक है, खालिस्तान देखे ऐसा पूछ लिया। तो ये प्रश्न जो है किसी पेपर में 8वें नंबर पे, किसी में आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो इनको आप देख सकते हैं। तो सभी जो आपका पेपर है वो आंसर के आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका, ठीक है। पहला प्रश्न दे दिया शिवालिक की पहाड़ी खालिस्तान के जिले में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये हमारी अंबाला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंबाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है, एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदा खालिस्तान दे दिया होगा, तो क्या होगा ये, ये होगा आभासी प्रतिबिंब, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 27 अगस्त को सोमवार था तो उसी माह की 14 तारीख को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था ये था मंगलवार, ठीक है, राइट आंसर 3 का चेक कर ले, मंगलवार। उसके बाद हरियाणा का राज्य पक्षी पूछ लिया, तो हरियाणा का राज्य पक्षी है ब्लॉक फ्रैंकोलिन। और एक बात बता दो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन इसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके सामने घंटे का बटन आएगा इसे ज़रूर दबा लें फ्रेंड, इससे आपको आने वाली कोई भी नई अपडेट है वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें चैनल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है, होती है हमारी राष्ट्रपति के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बी। उसके बाद नेक्स्ट है देवी भदा जो भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान में, तो कहाँ पे है, तो 6 का जो राइट आंसर बनता है, हाँ जी सी बिल्कुल राइट आंसर, अम्बाला जिले में है देवी भदानी का अम्बा का मंदिर। उसके बाद है सीतारण स्मारक खालिस्तान की समाधि है, तो जो 7 का जो राइट आंसर बनता वो है ए, यह ताराचंद जी महाराज की, ठीक है, तारण जो है स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है। उसके बाद 8 का है, जल्दी जल्दी दोस्तों आपको पूरी आंसर की बता दी जाएगी, ठीक है, हाँ जी जल्दी करेंगे। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत की गेहूं की कटोरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 का लगा दीजिए सर, 9 का जी बिल्कुल, हाँ जी 9 जी। किस प्रकार की मृदा की जो है जल धारणा करने के जो क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है, तो इसमें ये होता है इसमें रेत और जो है दोमर का मिश्रण, डी इसका राइट आंसर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर बनता है वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जब वस्तु को विक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, 11 का राइट आंसर बनेगा वास्तविक और उल्टा। उसके बाद भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय का कारण होता है कौन, क्या होता है, होता है लैक्टिक अम्ल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद है 13 का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर खालिस्तान दे दिया यहाँ पे उत्पन्न करता है, तो जो 13 का राइट आंसर बनता है वो बनता है सी, ये होता है सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती, क्या कहलाती है ये भूमि, जी राइट आंसर है बहुत धन्यंक, ठीक है जी। तो आप अपना जो पेपर है उसमें निशान लगाते रहें और लास्ट में देख लेना आपके कितने क्वेश्चन जो है सही रहते हैं। तो फ्रेंड इतनी अच्छी वीडियो लेके लिए जो है आपके लिए लेके आए हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर दें यार, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ सभी प्यारे दोस्तों, हाँ सभी दोस्त लाइक कर देना वीडियो को और कॉमेंट में भी ज़रूर बताना लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के बाद कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद 15 का है, वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा है, जी बिल्कुल एनीमोमीटर, सी राइट आंसर था इसका। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का, लगा दीजिए जी, हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16,
लगा दिया। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। 16 का राइट आंसर बनता है, इसमें थोड़ा है डाउट है जी, अगर आपको पता हो ना भाई किसी भी को, तो कितने प्यारे दोस्त हमारे, उनको किसी को भी पता हो तो वो बता दे इसका आंसर। मेरे को तो इस पे डाउट है, गुजरात और हूँ पे। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है जी? 20 का राइट आंसर होगा, महिला पुलिस स्वयं सेवक, ठीक है, बी राइट आंसर। 18 का उसके बाद वह संख्या ज्ञात करें जो विकल्पों में अन्य तीनों जैसी नहीं है, अन्य तीनों जैसी नहीं है, तो कौन सी नहीं है ये जी? ए राइट आंसर है इसका, हाँ 1001, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है, तो जो 19 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, कोई नहीं है इनमें से, ठीक है, क्योंकि अगर दोस्तों एक एक बात बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको शॉर्टली सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसकी जो आंसर है वो ठीक है। सोल्व मैंने पहले कर लिया है ये पेपर। उसके बाद देखिए ये है, अंडर रूट 5x² - 8x + 3√5 = 0 समीकरण के हल है, तो इसका जो हल होगा फ्रेंड बी इसका होगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा √5, और 3/√5, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मैंने पहले सोल्व करके देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान दे दिया को का जो शासक था, तो कौन था ये? तो 21 का राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल ए, इसका राइट आंसर थानेसर, कहाँ गए, हाँ जी ये रहा, सॉरी ये राज थानेसर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो 22 का राइट आंसर बनता है यहाँ पे जी सी 15, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लगा दीजिए सर 23 का जी, थोड़ा जूम करिए इसको, हाँ जी हो गया बस, ओके। राज्यपाल वह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में जो है निहित है, तो 23 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे जी, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, मुख्यमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि वन को कूट में जो है 34 यानी कि 34 है, तो 2 TWO का कूट होगा, क्या होगा? 24 का राइट आंसर, रीजनिंग का क्वेश्चन है जी, हाँ जी 24 का, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, 58 राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के एक तंतु द्वारा 20 मिनट के एक जो 0.5 एम्पियर ए दे दिया यहाँ पे कि विद्युत ली जाती है, परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें, तो 25 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे जी बी, 600 कूलम्ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को कश्मीरी हिमालयों की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़िए, ठीक है, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर बनता है हमारा जी, हाँ ये हो सकता है शायद, पर इस पर डाउट है, ठीक है, चलो ये देख लीजिए। अब श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, ये केसर की उपज के लिए उपयोगी है, तो दोस्तों इस पर मेरे को है ना थोड़ा डाउट है, तो प्लीज़ आपको पता हो तो प्लीज़ इसका भी जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसका मैं कुछ ही देर में जो है सर्च करके मैं कहीं ना कहीं से नेट वगैरह से कहीं से मैं आपको इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगा, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएँ। उसके बाद नेक्स्ट है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो 27 का राइट आंसर बनता है यहाँ पे समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 28, 2016-17 में हरियाणा की जो GSDP जो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो 28 का जी हाँ ये बड़ी है, हाँ जी 7.6, हाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद है 29 का, GST में सभी जो है आबकारी शुल्क वाली जो है वस्तुएं शामिल नहीं, निम्नलिखित में से विवरण में गैर GST वाली वस्तुएं ज्ञात कीजिए, हाँ जी इसका राइट आंसर, हाँ हाँ जी यही होगा डी होगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त हाँ जी उक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है जी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, समीकरण x+9y जो है 9y = 1 और 9y - x - 1 = 0 समान रेखा को दर्शाते हैं यदि a, तो इसके बराबर दे दिया है, तो 30 का मैंने सोल्व किया था कि उस दिन इसका आंसर जो है ये है -1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है, तो 31 का राइट आंसर बनता है यहाँ पे सी, उक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 32 का क्वेश्चन है, तो 32 का जो राइट आंसर बनता है वो भी सी है, ठीक है, आप चेक कर लें अपना m2 - n², ठीक है, हाँ जी हाँ चेक कर ले अपना। उसके बाद 33 का है, हरियाणा ए हो जाएगा इसका, 27°, 37° और जो है 30° जो उत्तरी अक्षांश, जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर चेक कर लें एक बार।
उसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग थंथा हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया, तो किसने किया, तो 34 का राइट आंसर बनता है जी यहाँ पे सी, सर थॉमस स्मिथ, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के और लड़कियों को निमंत्रण करता है, लड़की संख्या 2 कम है, उसमें प्रत्येक लड़के को ₹10 और प्रत्येक लड़की को ₹20 दिए, यदि उसके द्वारा बांटी गई कुल राशि ₹200 तो लड़कों की संख्या है 35 का राइट आंसर बनेगा जी यहाँ पे जी कितना, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है सी हो जाएगा 35 का, 8 हो जाएगा सी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, दोनों मुख आने की क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता पूछी यहाँ पे जी, हाँ 36 का डी 1/4 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 गणों को जो आसन जोड़ा गया है ठीक है, परिणाम ठोस का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो ये मैंने सोल्व किया इसको, हाँ जी 37 डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, हाँ इनमें से कोई भी नहीं है। रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है, तो कब बोई जाती है रबी की फसल, हाँ जी ये 1 अक्टूबर में राइट आंसर। उसके बाद 39 चिकित्सा या औषधि के क्षेत्र का 2018 का नोबेल पुरस्कार, हाँ जी 39 का क्या होगा, बी तासुको होंजो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 का, नेक्स्ट है, हाँ जी 40 का बताइए, 40 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक आएगा जी 40 का, इस क्वेश्चन का आंसर 40 होगा। उसके बाद 41 का है, सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता है, हाँ जी प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय जी, ये इसका राइट आंसर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है 42 का जी राइट आंसर, 42 का डी 45 हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है डी, ठीक है डी राइट आंसर। उसके बाद है 43 का, हाँ जी 43 का भी डी है, इनमें से कोई नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 44 का, बी राइट आंसर जी 44 का, 44 का हाँ जी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक वर्ष के दौरान पारित किया गया, हाँ जी डी इसका राइट आंसर है डी, हाँ जी राइट आंसर डी। उसके बाद 46 का देखते हैं, और दोस्तों अगर हमारे कोई दोस्त ऐसा है जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए और वीडियो बना के लाते हैं यार, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उसके बाद 46 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है हाँ जी 46 का, हाँ जी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पद अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है 47 का डी हो जाएगा रसोईया। भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है, तो भूतेश्वर मंदिर क्वेश्चन नंबर 48 का बी हो जाएगा जी, जींद में है ये। उसके बाद नेक्स्ट है 49, बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत जो है प्रकार की वनस्पति है, तो 49 को जो राइट आंसर है जी वो हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है 50 का है जी, 50 का सी राइट आंसर है, हाँ जी 50 का सी राइट आंसर है सी। उसके बाद 51 है, हाँ जी 51, 51 का बताइए जल्दी बताइए जी, 51 का बी हो जाएगा जी, 51 का बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पौधों में जो ग्लाइकोजन के रूप में जो है भंडारित होते हैं। उसके बाद 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा है सत्य जी, 52 का बताइए एक बार जल्दी, 52 का ही, हाँ जी 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित राइट आंसर। उसके बाद है जी 53 का, हाँ जी 53 का, हाँ हरियाणा में यह जिला जिसे सब जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, सबसे जो कम वर्षा वाला जिला, हाँ जी सिरसा ही है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 MQ जो है क्वेश्चन मार्क दे दिया, AEHLOS और इस तरह का जो है ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा जी TX राइट आंसर बनेगा, TX ए इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा का प्राचीन जो महाकाव्य है 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा जी, भगवत गीता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने जो है 1924 में विश्व को सिंधु घाटी की नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, किसने की, एक ये सर जॉन मार्शल ने, बी इसका राइट आंसर। उसके बाद है जी 57 का, ठीक है हाँ जी 57 का लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है, तो 57 का जो राइट आंसर बनता है वो हो जाएगा ए, ठीक है ए इसका राइट आंसर है, 1, 1, 2, 2 और फिर 3 हो जाएगा, ठीक है राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, सॉरी नहीं ये नहीं होगा इसका, सॉरी इसका हो जाएगा डी,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 58 का, 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट खालिस्तान द्वारा पट पर रखा गया, तो 58 का राइट आंसर बनता है जी यहाँ पे, हाँ जी ये बनता है वित्त मंत्री। उसके बाद है 59 का, 59 का बताइए डी राइट आंसर जी डी। हाँ इसका देख लीजिए, मंडल वायुमंडल जनवन पर्यावरण वाले का डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 का, ग्रहण ग्राहियों का कार्य खालिस्तान दे दिया यहाँ पे जी, सी राइट आंसर बिल्कुल, स्वाद का पता लगाना। इसके बाद 61 है, यहाँ पे दे दिया 4, 9, 16, 25, 36 श्रृंखला को लुप्त संख्या ज्ञात कर, तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। हाँ जी 61 का बिल्कुल राइट आंसर 49 बी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वीराज राशो किसके द्वारा लिखी गई, बी राइट आंसर है चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई। उसके बाद नेक्स्ट है यदि बिंदुओं को जो ये दे दिया 63 का जी, हाँ जी 63 का, हाँ जी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यदि बिंदुओं को जो है ब्रैकेट दे दिया 2, y और जो है ब्रैकेट -4, 3 ब्रैकेट बंद के बीच दूरी 10 है, तो y का मान पूछा है यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 और -5। क्वेश्चन नंबर 64 है, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे, ठीक है हाँ जी हिंदी के कवि थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी पूछ ली, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, चंडीगढ़ सबको पता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 66 का जी, 66 का आंसर हो जाएगा बी 24, चेक कर लें अपना क्वेश्चन एक बार, हाँ जी 24 बी राइट आंसर। वह धातु जो द्रव है, नेक्स्ट है वह धातु जो द्रव है कौन सी है, 67 हाँ जी 66 का बी राइट आंसर ब्रोमीन। नेक्स्ट है 68, दो वर्तों की त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वर्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी, हाँ जी 68 ए राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जी ए राइट आंसर है 19 सेंटीमीटर। उसके बाद है 69 का जी, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं हमारे, हाँ जी एक बार इनको जल्दी जल्दी देख लिए क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबी बन जाएगी। ठीक है तो 69 है यहाँ पे जी, हाँ हो जाएगा, हाँ 69 ए होगा पहले का हो जाएगा ए, एक बार जल्दी जल्दी निशान लगा ले अपना, हाँ जी 70 70 हाँ जी इसका भी ए हो जाएगा कमिटी। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है 70 के बाद 71 लगाइए जी, 71 का ए हो जाएगा। ठीक है ए लिबर्टी, उसके बाद 72 का लगाइए, ए सेंसिबल मैन एज ए रूल कैरीज मच फॉर पब्लिक ओपिनियन, ठीक है हाँ जी 72 का डी हो जाएगा, वाट एवर मे बी द कोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट 73 का लगाइए, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल और इसके बाद खालिस्तान दे दिया यहाँ पे, वी वेयर ऑन हॉलीडे, हाँ जी 73 का यहाँ पे हो जाएगा डी ड्यूरिंग। उसके बाद 74 का लगाइए जी, 74 सॉरी खालिस्तान दिया यहाँ पे शुरू में और वहाँ पे है आगे, इट रेन ए लॉट वी इंजॉयड ओवर हॉलीडे, हाँ जी 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अल्थो 75 का जी, सी फ्रॉम फ्लूवियन सी वाज इंटरव्यूज, ठीक है हाँ जी हैड बीन सफरिंग राइट आंसर, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू व्हाई डैश डैश गो टू हॉस्पिटल, हाँ जी 76 का डी राइट आंसर, हैड हैड यू टू आई विल बी एट होम खालिस्तान दे दिया, फ्राइडे मॉर्निंग यू कैन टेलीफोन मी देन ओन ओन राइट आंसर ए, 77 का जी ए हो जाएगा हाँ जी ओन। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम गोइंग अवे खालिस्तान डैश डैश द एंड ऑफ जनवरी, हाँ जी डी हो जाएगा यहाँ पे, 8 आएगा जी 8। ठीक है नेक्स्ट है उसके बाद, मेरी बहन स्कूल से आई है, हाँ जी 79, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए, हाँ जी पद परिचय इसका जो होगा ये हो जाएगा, इसका सर्वनाम क्रमकार स्त्रीलिंग एकवचन। नेक्स्ट है उसके बाद, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा बी, निम्नलिखित में से असव का पर्यायवाची, असव का हाँ जी राइट आंसर है करी हो जाएगा, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है, कुल के साथ प्रति हो जाएगा प्रतिकूल, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ आश्चर्य प्रकट करना, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 है, हाँ जी 84, घोड़ा नहीं चलता इस वाक्य को भाववाचक में लिखिए, घोड़ा चला नहीं, घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से चली गई, घोड़ा नहीं चलेगा, भाव इसमें है बी वाले में, घोड़े से चला नहीं जाता, ये भाव को प्रकट करता है। ठीक है उसके बाद 85 है,
सुआगत कौन सी संधि है? सुआगत, सुआगत ठीक है, ये होती है हंजीजन संधि, राइट आंसर। जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी, हाँ जी ए राइट आंसर हो जाएगा इसका अभिव्यक्ति। उसके बाद ये अट्ठासी का है, सुमेलित कीजिए। हाँ जी अट्ठासी का बी राइट आंसर हो जाएगा। आप ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 86 को 86 पे कलेक्ट करना है, 58 को 58 पे और 32 को 32 पर, ये वाला ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हाथी शब्द का बहुवचन, तो हाथी शब्द का बहुवचन वो हाथी ही होगा, ये राइट आंसर। रसोई का घर, रसोई घर यह कौन सा समास है? कौन सा है जी? बहुवीरी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे सभी 90% पूरे हो जाते हैं। ठीक, और आप अपने जो है मिला लेना कि कितने क्वेश्चन आपके सही, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने परसेंट जो सही मिले हैं आपको, और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आगे नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।